हेलो दोस्तों, ये सीएसबी बैंक लिमिटेड का आईपीओ के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले इस बैंक का नाम हुआ करता था कैथोलिक सीरियन बैंक, ठीक है? क्या नाम हुआ करता था? कैथोलिक सीरियन बैंक। अब इसका नाम रीनेम होकर सीएसबी बैंक है। इसकी जो शेयर प्राइस अभी डाला गया आईपीओ में, जो फ्लोर प्राइस है, जिसको हम फ्लोर प्राइस बोलते हैं, वो 193 से 195 रुपीज़ के बीच में है। फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये का ये शेयर है। नॉर्मली 10 रुपये का शेयर आपको बहुत कम देखने को मिलता है, सब अभी आज के डेट में 2 रुपये 1 रुपये का शेयर है। फेस वैल्यू 2 रुपये का लॉट, यहाँ पे 75 आपको शेयर्स का लॉट लेना पड़ेगा। अगर आप एक लॉट खरीदते हैं तो इन्वेस्टमेंट जो होगा 75 × 195 = 14625 रुपीज़ का होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, 2 लाख रुपये तक रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है। कितना? 2 लाख। तो 2 लाख एग्जैक्टली नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको लॉट होता है 75 का लॉट चलेगा इसमें, तो 975 का लॉट बनेगा मल्टीप्लाई भाई आपका 195 रुपीज़ का रहेगा, जो कि 1,90,125 रुपये के आसपास आएगा, ठीक है? और इसमें 50% का स्टेक ये कैनेडियन मतलब भारतीय मूल के निवासी हैं, बट उनके पास कैनेडियन नागरिकता है, ठीक है? जो भारतीय मूल के निवासी हैं, जिनके पास कैनेडियन मूल का नागरिकता है, उनके पास 50% का स्टेक है, जिनका नाम है प्रेम वात्सा। ये बहुत बड़े फाइनेंशियल या बहुत बड़े टाइकून हैं, बिजनेस टाइकून हैं, जिनके पास ये स्टेक है। और ये केरला में मैं सब लगा रहा हूँ, केरला में बहुत ही डोमिनेंट इसका प्रेजेंस है। कैथोलिक सीरियन बैंक जो है आप या सीएसबी जो है बेसिकली गोल्ड लोन्स पे ज़्यादा काम करती है। इसी तरीके से जैसे मुथूट फाइनेंस हो गया, मन्नाप्रम गोल्ड हो गया, इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गोल्ड पे बेसिकली डिपेंडेंट है, ये प्रॉपरली गोल्ड पे डिपेंडेंट है। 33% का एडवांसेस गोल्ड पे किया हुआ है ये, ठीक है? या चोलेंद्रम फाइनेंस भी इसी तरीके से है, ठीक है? तो ये जो सीएसबी बैंक है ये प्रॉपरली उसी पे काम कर रही है। अब आरबीआई का भी कहना है कि अगर आप बैंकिंग में है तो वो आरबीआई का इंस्ट्रक्शन है कि आपको उसके लिए आईपीओ लाना होगा, तो उसी का आईपीओ का फॉलो कर रही है। और इसमें काफ़ी इसका एनपीए भी अगर देखा जाए तो एनपीए भी इसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिकवर किया हुआ है, और ये काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बनाने वाली बैंक है। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर, सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो अगर आप 22 नवंबर तारीख को जो पहला दिन था सब्सक्रिप्शन का, उसी दिन पूरी तरीके से सब्सक्राइब हो चुका है। कितना हो चुका है? फुल्ली सब्सक्राइब हो गया। जो नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल है वो है 1.15 करोड़ शेयर्स है। कितना है? 1.15 करोड़ शेयर्स है, जो कि जहाँ पे कि एप्लीकेशन आपको ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं 1.20 करोड़ के। शेयर्स कितने थे? 1.15 करोड़, और एप्लीकेशन कितना आया हुआ है? 1.20 करोड़ का एप्लीकेशन आया हुआ है। ये पहले दिन ही पूरी तरीके से सब्सक्राइब हो चुका है, और अभी भी 26 नवंबर तक चलेगा। तो इसका जो अगर कोई मेरे से रिकमेंडेशन पूछेगा तो मैं सीधा से बोलूँगा ये लॉट खरीद लेना चाहिए। ये मतलब आप खरीद रहे हैं तो मान के चलिए कि जो प्राइस बैंड लिखा है उससे तो कहीं ऊपर ओपन होगा। मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि पैसे 2 गुने हो जाए, हो सकता है कि पैसे 2 गुने भी हो जाएंगे आपके, क्योंकि आज की डेट में वो ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो मेरा मानना है कि 2 गुना पैसा हो जाना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूँगा, ठीक है? और वीडियो पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करेंगे। धन्यवाद।